दोस्तों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रोहित का रिकॉर्ड। जहां दोस्तों बता दें कि अंबाती रायडू भी हैदराबाद के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, हालांकि बीच में वह बड़ौदा के लिए खेलने लगे थे। वहीं रोहित रायडू के फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अभी तक 17 मैच में 39.74 की औसत से 1073 रन बनाए हैं। इनमें उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक भी निकले हैं। माना जा रहा है कि रोहित रायडू जल्द ही टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं। दरअसल रणजी ट्रॉफी 2022-23 में हम जिस रोहित के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वह हैदराबाद की अंबाती रायडू के कजन रोहित रायडू हैं, जिन्होंने इस बार रणजी में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के लिए दस्तक दी है। अंबाती के छोटे भाई रोहित ने 2017 में हैदराबाद की ओर से डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में उन्होंने अब तक कुल 7 मैच खेले हैं। बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करते हैं दोस्तों रोहित रायडू ने इस रणजी सीजन में अभी तक 44.23 के औसत से 575 रन बनाए हैं। रोहित रायडू के इन रनों में 6 छक्के भी शामिल हैं। इस बार रोहित रायडू ने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। रोहित ने पिछले दो मैच में ही 290 रनों की पारियां खेली है। बता दें कि बल्लेबाजी के साथ साथ रोहित गेंदबाजी भी करते हैं। पिछले 3 मैच में उन्होंने 2 विकेट भी लिए हैं। रोहित ने रणजी ट्रॉफी में खड़ा किया रनों का पहाड़। 64 चौके और 6 छक्कों के साथ कूट डाले 575 रन, ठोक डाले 575 रन। जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी भारत के घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड की झड़ी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड की झड़ी लग रही है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 टूर्नामेंट अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। फिलहाल नॉकआउट दौर में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस बार रणजी ट्रॉफी में कई खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बीसीसीआई के चयनकर्ताओं को खासा प्रभावित किया है। सरफराज खान और अर्जुन तेंदुलकर समेत कई युवाओं ने जहां ऐतिहासिक पारियां खेली हैं, तो कई अन्य युवाओं ने भी शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है। वहीं रोहित ने भी इस बार रणजी ट्रॉफी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उन्होंने 6 छक्कों और 64 चौकों की मदद से 575 रन बनाए हैं। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के तहत अब अंतिम दौर में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस बार रणजी ट्रॉफी में कई खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बीसीसीआई के चयनकर्ताओं को खासा प्रभावित किया है। कई युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है, जो जल्द ही टीम इंडिया में नजर आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही मजेदार धमदार नॉलेजफुल वीडियो में अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।